देखिए कितना सुंदर सा फूल खिला है। ये गुड़हल हम लोग अभी कुछ दिन पहले ख़रीद के लाए थे नर्सरी से। तो देखते हैं और कौन कौन से प्लांट हम लोगों ने ख़रीदे थे। जब ख़रीदा था तब ये खिला नहीं था, अब खिला है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है प्लांट है। ये है रात की रानी, जैसा कि नाम है ये रात में ही खिलता है और इसकी महक बहुत अच्छी है। जब ये रात में खिलता है तो इसकी महक से पूरी छत भर जाती है। तो आप लोग एक बार इसको लगाइएगा, देखिएगा, इससे महकदार फूल आपने कभी नहीं देखा होगा। बहुत अच्छी महक इसकी है। फ़िलहाल आज ये वीडियो कुछ अलग है। कल हम लोग गए थे नर्सरी, कुछ प्लांट ख़रीदे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि अब जब आप प्लांट ख़रीदने जाएंगे तो आपको नाम भी पता होंगे और कुछ कीमत का अंदाज़ा भी हो जाता है इससे। तो मैं बता दूं कि क्या क्या हम लोगों ने कर लिया था। यहीं पास में एक नर्सरी है हमारे घर के पास में, गांधीग्राम में, वहीं से हम लोग लाए थे। तो शुरू करते हैं क्या क्या लिया, कीमत के साथ बताऊँगी ताकि जब आप लेने जाएँ तो आपको अंदाज़ा लग जाए। ये देखिए, ये है स्नैक प्लांट, सिंसेवेरिया कहते हैं इसको, और आप इसको इंडोर लगा सकते हैं। इंडोर ही लगाया जाता है कि क्योंकि ये वेस्ट एयर प्योरीफायर माने जाते हैं, हवा शुद्ध करने के लिए लोग लगाते हैं। और आप इसको कमरे में खिड़की के पास आराम से रखिए, चलेगा। ये मुझे मिला था लगभग 50 रुपये का, ये देखिए। और ये छोटे छोटे से प्लांट आप देख रहे हैं, ये दो मैंने लिए हैं। ये एक जोरा, हिंदी में रुक्मिणी कहते हैं इसको, और इसी तरह से बड़े बड़े बंच बनते हैं फ्लावर के। और धूप का पौधा है और परमानेंट प्लांट है, लेकिन फ्लावरिंग सीजन समर है, अभी अक्टूबर तक ही इसमें फ्लावरिंग होगी। मैंने अभी इसलिए लाए हैं कि अभी सीजन है, आराम से लग जाएंगे और अगली गर्मी तक बड़े हो जाएंगे और फिर भर भर के फूल आएंगे। और इसका फूल जो है ये इस तरह बंच में बनते हैं और ये टिकते भी हैं। एक बार अगर खिल गया तो 8-10 दिन आराम से ये बंचेस बने रहते हैं। ये भी 50-50 रुपए के ही है, क्योंकि ये छोटा पौधा था इसलिए 50 का मिला। अगर बड़ा होता तो ये 100-150 रुपए की कीमत इसकी जाती है। और कई कलर में आते हैं, ये गुलाबी और सफ़ेद है, और मेरे घर में है रेड कलर का, वो काफ़ी बड़ा है। और एक ये देखिए, ये भी सेमी सेट का ही प्लांट है। आप इसको कम धूप वाली जगह में रखिए। नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसके पत्ते मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने इसको ले लिया। और ये भी 50 रुपये का ही था। और ये कुछ गुलमेंदी गेंदा के प्लांट हम लोगों ने ख़रीदे थे, जो घर में लगाए गए हैं। उसके प्लांट अभी बहुत छोटे हैं, जब तक वो बड़े होंगे जब तक इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने इसको भी ख़रीदा है। ये 15-15 रुपए के मिले, क्योंकि सीजनल है, इनकी कास्ट ज़्यादा नहीं रहती। और दो प्लांट और हम लोगों ने लिए थे, ये देखिए, ये है गुड़हल, हाइब्रिड वैरायटी है और यूनिक कलर है बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा महंगा मिला हम लोगों को, अभी कली है, फ्लावर नहीं आया है, जब खिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। बिल्कुल अलग सा कलर है इसका। ये मुझको मिला है लगभग 80 रुपए का है, ये 80 रुपए का उसने बताया था, लेकिन ये 70 रुपए का उसने दिया है। ये देखिए, ये गुड़हल है, फुल धूप का पौधा है, खुली धूप में लगाइए, परमानेंट प्लांट है, पूरे साल फ्लावर भर के आते हैं। और ये देखिए एक और ये बाइन हम लोगों ने ख़रीदी थी, ये बेल है, और ये देखिए छोटे छोटे से फ्लावर भी लगे हैं। वैसे इसका भी फ्लावरिंग सीजन समर ही है, अब इसमें फ्लावरिंग लगभग बंद होने वाली है, लेकिन ग्रोथ
अच्छी लेगी इस समय, इसलिए मैंने इसको लाई है। और इसको लगाएंगे सेमी शेड एरिया में। इसको बहुत तेज़ धूप पसंद नहीं है। नाम है इसका ब्लीडिंग हार्ट। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं इसके और लंबे समय तक टिकते हैं। ये एक तरह की बेल है। अगर आपके पास खुली धूप में जगह नहीं है या और कई रीजन से आप नहीं लगा पाते हैं, मंकी साग के नुकसान करते हैं, तो ऐसे लोग इसको ज़रूर लगाइए जहाँ कम धूप आती है। खिड़की के पास घंटे दो घंटे के लिए अगर आपके पास धूप आती है तो ये वाइन बहुत अच्छे से चलेगी। और ये भी थोड़ी कॉस्टली है, इसकी भी रेंज वही 70-80 रुपए तक की है। तो हम लोगों ने इसको अभी कल ही ख़रीदा है। अब रिपोर्टिंग करते समय भी दिखाएंगे वीडियो आपको। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि प्लांट के नाम पता चलें, रेंज पता चले, आप जब लेने जाएं तो किसी तरह की परेशानी आपको ना हो। तो फिर नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।